केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को उम्मीद के साथ वोट दिया, लेकिन नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा है, मित्रों को मालामाल किया जा रहा है। जो सच बोलते हैं उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। हमने कभी भी आतंकवाद या देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं की। उनके ट्वीट पे आप देखिए तो डिटेल के साथ उन्होंने एक सही मायने में कुछ तथ्य रखे हैं। 20 पॉलिटिकल पार्टी लाइक माइंडेड हैं, सबने मिलके, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रोग्राम का बहिष्कार करें, पर ये मजबूर करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी पॉलिटिक्स लाते हैं, इसलिए करना पड़ा है। त्रां महाभारत का युद्ध 14 दिनों में जीता था, हम कोरोना को 18 दिन में हरा देंगे, क्या मिला? लॉकडाउन, जो जहां है वहां रहे, ना सोच ना समझ, ना लोगों को अपने वतन में जाने दिया। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसानियत दिखाइए, कुछ मुआवजा दीजिए, मुआवजा तक नहीं देना। और वैक्सीन के नाम पे भी गफला, ये चीजें हुई हैं। ये 9 साल का मिसरूल है, आपके कोई सवाल होंगे? राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह ने कहा कि विस्टा प्रोजेक्ट में 27 लाख करोड़ खर्च किए, हम जिधर बैठते थे वहां संविधान बना, लेकिन अब हम उसे छोड़ रहे हैं। जनता के पैसे जाए तो जाए, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। संविधान बना, संविधान सभा, उस बिल्डिंग को छोड़ के 27 लाख करोड़ क्यों जरूरत थी? अगर आप इस देश में महात्मा गांधी जी की सादगी का हम सम्मान करते हैं, मैं घुमा हूं यूरोप के देशों में, वहां पुरानी पार्लियामेंट के बिल्डिंग को वो कितना भी खर्च करके रखते हैं, वो कहते हैं कि हियर देयर इज अ पॉजिटिव वाइब्स, यहां एक सकारात्मक ऑरा होता है, यहां उन महान व्यक्तियों के विचार घूमते रहते हैं, तो हम इस बिल्डिंग को छोड़ेंगे नहीं, ये भावना वहां रहती है। पर सिर्फ जनता के पैसे जाए तो जाए, मेरा नाम लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के जिंदा आदमी कभी अपना नाम नहीं लगाता, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया, उसी तरह पार्लियामेंट में सिर्फ मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए। इसलिए जो एक शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी महिला है, देश की सबसे बड़े संवैधानिक ऊंचे पद पे बैठी है, उस महिला के हाथों से नहीं, उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा, ये अहंकार है। और जिसकी सोने की नगरी थी, अहंकार उसका भी नहीं टिका है। कर्नाटक की जागृत जनता ने ये उपदेश दिया है, कर्नाटक की जागृत जनता ने बीजेपी को नकारा है इन्हीं मुद्दों की वजह से। और आखिर का मुद्दा हमारा कोरोना का है, कोरोना में जिस कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।